आखिर कौन थे झांसी की रानी, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, वो किस जाति की थी और रानी लक्ष्मीबाई के तलवार का वजन कितना था, उनका अंतिम शब्द क्या था। आज हम आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप में से बहुत ही कम लोगों ने सुनी होगी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में काशी वाराणसी में हुआ था। बचपन में ही वो निशानेबाज, घुड़सवार और तलवारबाजी में निपुण थी। उनके पास तीन सबसे ताकतवर घोड़े थे, सारंगी, पवन और बादल। अब महारानी लक्ष्मीबाई की जाति की बात करें तो वो एक ब्राह्मण परिवार से थे और उनके जो बेटे थे, पहला दामोदर राव और दूसरा आनंद राव। अब उनकी तलवार के बारे में बात करें तो उनकी तलवार का वजन 3.3 केजी था। अब महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे हुई थी, तो जब ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ महारानी लक्ष्मीबाई लड़ाई लड़ रही थी तब उसे गोली लगी और उनके हाथों में से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। एटोनिया फेजर अपनी पुस्तक द वॉरियर किंग में ऐसा लिखती है कि जब रानी लक्ष्मीबाई की तलवार अपने हाथों से गिर गई थी तब एक अंग्रेज वहां पर पहुंच गया था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई और वार किया। तभी रानी ने अपनी तलवार उठाई और उस वार को रोकने के लिए अपनी तलवार से वार किया। तभी वो कामयाब नहीं रही और उस अंग्रेज की तलवार उनके सिर पर इतनी तेजी से लगी कि उनका सिर फट गया और उसके बाद रानी की मृत्यु हो गई। और महारानी लक्ष्मीबाई को द वॉरियर क्वीन ऑफ इंडिया और पावरफुल क्वीन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।